फ्रेंड्स, क्या आप ऑफ सीजन में भी असली मैंगो का टेस्ट एंजॉय करना चाहेंगे? तो मुझे यकीन है कि इस मैंगो जैम को टेस्ट करने के बाद आप मार्केट में मिलने वाले सभी जैम्स को भूल जाएंगे। इस जैम को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं घर पर, वो भी शुगर फ्री। तो चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रूपाश्रीज रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जैम। आपने मैंगो जैम बनाने के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन आज जो हम मैंगो जैम बनाने जा रहे हैं, इसमें आप कच्चा आम भी यूज कर सकते हैं और पके हुए आम को भी। और यह रेसिपी जो है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही बनती है, और ये तीनों भी इंग्रेडिएंट्स हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें हम ना ही आर्टिफिशियल कलर्स यूज कर रहे हैं, ना ही प्रिजर्वेटिव्स, और ये बिल्कुल शुगर फ्री होने के कारण अब बेझिझक इसे जब मन चाहे तभी आप रोज भी खा सकते हैं, और इसे बनाकर आप कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यह जाम बनाने के लिए जो भी टिप्स और ट्रिक्स है वो जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें कुकर में पानी डालकर कच्चा आम रखकर 3 से 4 सीटी बजने तक पका लेना है। जब तक कुकर में कैरी पक रहे हैं तब तक हम इस चाकू से इस तरह से देखिए हम गुड़ को बारीक काट लेंगे। अब हम इसे कुकर में से निकाल लेंगे और ठंडे पानी में धो लेंगे। पके हुए कैरी को कुकर से निकाल कर ठंडे पानी में मैंने धो लिया है, और इसे इस तरह से काटना है, और इसमें से हम सारा पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से ये दोनों भी कैरी से हम पल्प निकाल लेंगे। इस तरह से दोनों कैरी का पूरा पल्प निकालने के बाद मिक्सर में हम बारीक इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में अगर आप पके हुए आम को ले रहे हैं तो उसे प्रेशर कुकर में कुक नहीं करना है, उसका प्यूरी निकाल लेना है और थिक बॉटम पैन में उसको लगातार एक 10 मिनट तक कुक कर लीजिए, जिससे उसमें का जो भी वाटर कंटेंट है वो निकल जाएगा। बाकी का जो भी प्रोसेस है वो सेम हम लोग अभी यहाँ पर जो कच्चा आम यूज करके कर रहे हैं वैसे ही करना है। और सिर्फ गुड़ आपको 1 कप के बदले में 3/4 कप लेना है, क्योंकि जो पके हुए आम रहते हैं उसमें नेचुरली मिठास होती है। और इस रेसिपी में भी यहाँ पर आप कच्चे आम के लिए थोड़ा सा आप टेस्ट कर लीजिए, अगर आम आपका कच्चा आम ज्यादा खट्टा है तो थोड़ा सा आप गुड़ का भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पके हुए कैरी को इस तरह से बारीक मैंने पीस लिया है, और इसे मेजर करना है। जितना इस पीसे हुए कैरी का क्वांटिटी है उतना ही सेम क्वांटिटी में हमें गुड़ लेना है। अगर ये 1 कप है तो गुड़ भी हमें 1 कप लेना है। अब हमें थिक बॉटम कढ़ाई को लो फ्लेम पर हीट कर लेना है, और उसमें 3 से 4 टीस्पून घी गरम कर लेना है। अब इस गरम घी में हम गुड़ को डालकर मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से गुड़ को हमें घी में गरम कर लेना है जब तक ये पूरा गुड़ इसमें पिघल जाए। और ध्यान रहे यह सब हमें धीमी आंच पर ही करना है, यानी लो फ्लेम पर ही करना है। और गुड़ जो है शक्कर से कई गुना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसलिए हमें शक्कर के बदले में यहाँ पर गुड़ ही यूज करना है। और आपका जो कैरी है उसको टेस्ट करके देखना, अगर वो ज्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा गुड़ का क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। लो फ्लेम पर मैंने इस तरह से यहाँ पर गुड़ को पूरा मेल्ट किया है, घी में पूरा देखिए किस तरह से पिघल चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कैरी को। और लो फ्लेम पर ये दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें 5 मिनट तक इस तरह से कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पका लेना है। ये देखिए, 5 मिनट तक लगातार पकाने के बाद इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है।
अभी यहाँ पर ये जैम ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे गैस पर से उतार लेंगे और एक बाउल में ठंडा करने के लिए रख देंगे। इस तरह से बाउल में निकालकर हमें ठंडा होने के लिए रखना है और पूरा ठंडा होने पर परफेक्ट जैम की कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए, अब ये जैम पूरा ठंडा हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम परफेक्ट है। अब हम इस तरह के स्टेरिलाइज्ड बॉटल में भरकर रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने के लिए रख देंगे। इस जैम को हम एक महीने तक रेफ्रिजरेटर में इस तरह के एयर टाइट बॉटल में अच्छे से फ्रेश रख सकते हैं।